हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोबाइल में डाटा को रिकवर करने के बारे में बताऊंगा, जिससे आपकी मोबाइल की कोई भी फोटो, चाहे वो 2 साल पहले चाहे 3 साल पहले कभी भी डिलीट हुई होगी, वो आपको रिकवर हो जाएगी। चाहे आपका फोन रीसेट हो गया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपका फोन, जब से आपने आपका फोन नया लिया है तब से लेकर की सभी फोटो आपकी रिकवर हो सकती है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो तो नीचे कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और इसके सर्च बार में हम टाइप करते हैं डिस्क टीगर। डिस्क टीगर जो नाम की जो ऐप है, इससे हमारी फोटो रिकॉर्ड हो सकती है। ये पूरा 1.6 MB का ये फाइल है। ये डिस्क डीजर नाम की जो हमारी ऐप है, इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आज मैं आपको पूरा लाइव आपके सामने मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये देखिए डाउनलोड हो गई, अब इंस्टॉल भी होगी। चलो अब ये कैसे वर्क करती है मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन जो हमने डाउनलोड की थी, इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मैं ओपन करता हूँ और ये स्मार्ट बेस फोटो स्कैन, इस पर मैं क्लिक करूँगा जिससे आपकी फोटो रिकवर हो सकती है। ये मैं अलाउ कर देता हूँ। अब ये आपकी फोटो जो है वो रिकवर होनी स्टार्ट हो गई है। इससे आपकी फोटो रिकवर हो जाएंगी। कभी भी आपने फोटो डिलीट की हो, आपकी सभी फोटो वापस रिकवर हो सकती है इससे। ये देखिए सभी आपकी फोटो रिकवर हो सकती है इस ऐप से। अब आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी फोटो को आप वापस लेना चाहते हैं। जैसे मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया और जो रिकवर के बटन पर ये रिकवर लिख रहा है, इस पर क्लिक करके अब आपको कहां पर इसको सेव करना है। जैसे कि ये हमें ईमेल के ड्राइव में अपलोड करनी है या फिर अपने फाइल में एक्सप्लोर में हम इसे सेव कर सकते हैं। तो मैं ये फाइल एक्सप्लोर को सिलेक्ट करता हूँ। या अब ये पूछ रहा है कौन से फोल्डर में, जैसे मैंने डाउनलोड को सिलेक्ट किया और ये ओके। ये देखिए डिस्क रिजर्व फिनिश्ड, एक वन फोटो जो था हमारी थी वो रिकवर हो चुकी है। इस तरीके से आपकी सभी फोटो रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।